दोस्तों आज के समय में शुगर टेस्ट इतना कॉमन हो गया कि हर कोई इसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से शुगर टेस्ट के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जैसे कब और कौन सा शुगर टेस्ट करवाना चाहिए, कितने टाइप के शुगर टेस्ट होता है, और टेस्ट करवाने से पहले क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और कौन सा टेस्ट का क्या प्राइस होता है, नॉर्मल रेंज कितना होता है, हमें रिपोर्ट कैसे समझना है कि शुगर है या नहीं है, सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ब्लड शुगर जो है एक प्रकार का ब्लड टेस्ट आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। तो शुगर तो नॉर्मली जो है हमारे ब्लड में होता ही है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है, लेकिन जब शुगर की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को डायबिटीज बोला जाता है। इसीलिए जो है शुगर टेस्ट जो है डायबिटीज का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो डायबिटीज से रिलेटेड जो है कई तरह के शुगर टेस्ट होते हैं, जैसे कि शुगर फास्टिंग टेस्ट होता है जो खाली पेट करवाया जाता है, शुगर पीपी टेस्ट होता है जो खाना खाने के 2 घंटे बाद करवाया जाता है, HbA1c होता है जो 3 महीने का जो है एवरेज शुगर लेवल बताता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जो प्रेगनेंसी में महिलाओं द्वारा जो सबसे ज़्यादा करवाया जाता है, ये भी शुगर लेवल बताता है। उसके बाद यूरिन ग्लूकोज टेस्ट जो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बताता है, उसके बाद इंसुलिन टेस्ट होता है, जो सारे जो है डायबिटीज़ से रिलेटेड सारे टेस्ट होते हैं। इन सभी टेस्ट के ऊपर हम लोग अलग अलग देखेंगे उसका प्राइस और नॉर्मल रेंज कितना होता है। ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट जो है सबसे ज़्यादा किए जाने वाला शुगर टेस्ट होता है, जो प्रायः डॉक्टर द्वारा करवाया जाता है, और हम लोग भी अपने घर पर जो है ग्लूकोमीटर से जो है ब्लड शुगर फास्टिंग टेस्ट वगैरह करते रहते हैं। तो फास्टिंग टेस्ट जो है बेसिकली ये मेजर करता है कि जब हम 8 से 10 घंटे का खाली पेट होते हैं, यानी कि हम जब हमारे पेट में कुछ नहीं होती 8 से 10 घंटे हम लेते हैं, उस समय जो है हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कितनी होती है। तो इस टेस्ट को जो है मेजर करने के लिए आपको जो है 8 से 10 घंटे का खाली पेट होना बहुत जरूरी होता है। तो इस 8-10 घंटे में आपको कुछ भी नहीं लेना, तो चाय लेना होता है ना तो बिस्किट लेना होता है, ना तो आपको शुगर की दवाई भी लेनी होती है। तो इस टेस्ट का जो प्राइस होता है वो 80 रुपये होता है। इसी प्रकार से जो ब्लड शुगर पीपी टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि खाना खाने के 2 घंटे बाद सैंपल लिया जाता है। तो 2 घंटे बाद ये देखा जाता है खाना खाने के बाद कि जो आप खाना खाए और उसके बाद आपके शरीर में शुगर की मात्रा कितनी है। तो बेसिकली ये जो टेस्ट होता है वो फास्टिंग टेस्ट के साथ ही करवाया जाता है, और इसका भी प्राइस 80 रुपये, लेकिन जो है ये दोनों अगर एक साथ करवाएंगे तो आपको 140-150 तक में जो है ये दोनों टेस्ट हो जाता है। और बेसिकली जो है सबसे ज़्यादा फास्टिंग टेस्ट करवाया जाता है, और किसी व्यक्ति को यदि डायबिटीज है तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो है दवाई वगैरह को जो मॉनिटर करने के लिए जो पीपी टेस्ट भी साथ में करवाया जाता है। और उसके बाद जो होता है HbA1c टेस्ट, HbA1c टेस्ट जो होता है 3 महीने का एवरेज शुगर लेवल बताता है, यानी कि जब आप टेस्ट करवाते हैं उससे 3 महीने पहले तक का एवरेज शुगर लेवल ये हमें बताता है। तो इसके लिए कोई भी फास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, दिन में कभी भी आप सैंपल दे सकते हैं, लेकिन इसका जो प्राइस होता है वो 400 रुपये होता है। और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ये भी जो है शुगर लेवल बताता है, लेकिन ये जो है ज़्यादातर महिलाओं में प्रेग्नेंट महिलाओं में करवाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पहले फास्टिंग सैंपल लिया जाता है उसके बाद जो है 100 ग्राम या 75 ग्राम जो ग्लूकोज होता है पानी में घोल के तो फिर पिलाया जाता है, फिर उसके 2 घंटे बाद जो है उसके बाद जो है ब्लड सैंपल लिया जाता है, फिर 1 घंटे बाद लिया जाता है। तो इस तरीके से इसमें भी लिया जाता है, लेकिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में बेसिकली ये देखा जाता है कि जो है बॉडी की कैपेबिलिटी कितनी है ग्लूकोज टॉलरेट करने की, जब हम डायरेक्ट उसको ग्लूकोज देते हैं तो उसका भी प्राइस 150 रुपये होता है। और यूरिन ग्लूकोज टेस्ट होता है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मात्रा पता लगा जाता है कि यूरिन से भी नहीं ग्लूकोज पास हो रहा है। प्रायः जो क्या होता है कि यूरिन के साथ जो है हमारा शुगर जो है वो नहीं निकलता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज होता है या किसी दिक्कत होती है तो उसमें शुगर जो है वो पास आउट होने लग जाता है यूरिन से, तो भी पता लगा जाता है। इसका भी प्राइस 60 रुपये होता है, लेकिन जब आप यूरिन रूटीन टेस्ट करते हैं उसमें ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है ये टेस्ट। उसके बाद जो इंसुलिन टेस्ट होता है, अगर कोई व्यक्ति टाइप 1 डायबिटीज के है या किसी व्यक्ति को जो है कोई व्यक्ति इंसुलिन ले रहा है और तो उसको मॉनिटर करने के लिए जो है इंसुलिन टेस्ट वगैरह करवाया जाता है। इसमें भी फास्टिंग होता है और पीपी होता है, फास्टिंग खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद, उसका जो प्राइस होता है वो 500 रुपये होता है। तो ब्लड शुगर फास्टिंग के नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो 70 से 100 mg/dL जो है नॉर्मल होता है, यानी अगर खाली पेट आप टेस्ट करवाते हैं और 70 से लेकर के अगर 100 तक 110 तक भी है तो आपका नॉर्मल है, लेकिन यदि आपका 100 से लेकर के 125 तक है तो इसको आपको प्री डायबिटिक माना जाएगा। क्या मतलब है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में यदि आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस है, तो अभी आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसलिए इसको प्री डायबिटिक बोला जाता है। उसके बाद यदि अगर 125 से ज़्यादा है, अगर खाली पेट जो टेस्ट करवाते हैं 125 से ज़्यादा है तो आपको डायबिटीज़ माना जाएगा। उसी प्रकार जो खाना खाने के 2 घंटे बाद का जो होता है उसमें जो है 70 से 140 तक नॉर्मल माना जाता है,
उसके बाद यदि 140 से लेकर के अगर 200 के बीच में है खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला, तो आपको प्री डायबिटिक यानी कि आपको डायबिटीज होने के चांसेस है आगे, आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, आपको डाइट वगैरह मेंटेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद जो अगर 200 से ज़्यादा होता है तो उसको हम डायबिटीज मानते हैं कि जो है उसको डायबिटीज हो रखा है। उसके बाद हम HbA1c की बात करें तो HbA1c जो है अगर 5.7% से नीचे है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा। उसके बाद यदि 5.7 से 6.4 तक है तो उसको प्री डायबिटिक माना जाएगा, और यदि जो है 6.5 से ज़्यादा है, 7 है 7.5 है इसके आसपास है, 6.9 है, तो उसको डायबिटीज माना जाएगा। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।